अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो है अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर। तो बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, फर्स्ट तो हमारा ये क्वेश्चन आता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है आफ्टर डिलीवरी के आपके कुछ वीक्स होते हैं, कुछ दिन होते हैं या कुछ माह में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको जो कि एंजाइटी भरा, परेशानी वाला माहौल, सदमे वाला माहौल, जिसमें हम मोस्टली खुद को रिकवर नहीं कर पा रहे होते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारे सराउंडिंग हो क्या रहा है। अच्छा, तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि नोट्स बना लिए हैं, ताकि मुझे टॉपिक पे बात करते हुए कोई भी मसला ना हो, बिल्कुल ईजी रहूं मैं, और किसी चीज को भी मैं मिस ना करूं इस टॉपिक में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके उन लेडीज के लिए जो कि मदर बनने वाली है, मदर बन गई हैं, या जो कि न्यूली मदर बन रही हैं, मतलब कि फर्स्ट मदर, फर्स्ट बेबी के साथ, जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं उनके लिए। अच्छा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हम सबसे पहले कवर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें मूड स्विंग्स आ जाता है, फेयर आ जाता है, किसी चीज से आप डर रहे होते हैं या बिलावजह ही डर रहे होते हैं, जॉय आ जाता है, आप बहुत खुश होते हैं, हल्की हल्की छोटी छोटी सी बातों पे आपको खुश रहना आ जाता है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा अंदर से जो है कभी कभी खुश हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनली किसी चीज के साथ अटैचमेंट हो जाती है, इमोशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर मैं कहूँ तो। अच्छा, एंजाइटी हो जाती है हद से ज्यादा, छोटी छोटी बातों पर बंदा तंग होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर बंदा चिढ़ने लगता है कि यार ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि सब चीजें नॉर्मल ही होंगी, सब चीजें अपने वे के हिसाब से नॉर्मल फ्लो में ही चल रही होंगी, फिर भी आपको ये लगेगा कि ये कुछ इरेगुलर मैनर्स में चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। फिर जी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मदर्स के साथ ये भी होता है कि हमारे बेबी का कलर चेंज हो रहा है, मोस्टली बेबी ब्लूइश हो जाते हैं, पर्पलिश हो जाते हैं, तो उसमें भी मदर्स को होता है कि यार मेरे बच्चे का कलर चेंज रहा है, ये भी इसी चीज में ही हम मतलब इंक्लूड करेंगे, क्योंकि माँ के लिए ये बात भी जो है ना सदमेदार है कि यार मेरे बच्चे का कलर चेंज हो रहा है, कभी लाल हो रहा है, कभी नीला हो रहा है, कभी। मैं सेकंड हम देखें तो ये तो हमारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स, और सेकंड चीज अगर हम देखें तो हमें एंजाइटी क्यों हो रही है। एंजाइटी मोस्टली इन चीजों से हो रही होती है कि आपकी जो डेली लाइफ है वैसे नहीं चल रही होती जैसे कि लास्ट फ्यू मंथ्स चल रही थी। आप उठते थे, नाश्ता करते थे, वॉशरूम रिलैक्स होके यूज करते थे, नाश्ता रिलैक्स होके करते थे, फिर उसके बाद अपनी एक्टिविटीज, शॉवर लेना है, जो भी करना है, घूमना है, कहीं जाना है, कुछ लेना है, तो आपकी लाइफ आपके मैनर्स के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से एग्जैक्ट चल रही थी। बेबी होने के बाद क्या होता है कि यार लाइफ फौरन से डिस्टर्ब हो जाती है। जो न्यू बेबी होता है दुनिया में आता है, उसे लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। अच्छा, उसे लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, तो फिर क्या होता है कि वो सारी सारी रात जाग रहा होता है, सारी सारी रात रो रहा होता है, माँ को डिस्टर्ब करेगा, घर में जितने लोग हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, फादर है फादर्स को डिस्टर्ब करेगा, तो चले उनकी रूटीन तो फिर भी सेट है क्योंकि उन्होंने चले जाना है, फिर भी शुरू वाले जो कुछ मंथ्स हैं या कुछ वीक्स हैं उनमें माँ को ही बेबी को देखना होता है, तो माँ इस वजह से होती है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब इन अ सेंस कि वो वैसे वॉशरूम यूज नहीं कर सकती जैसे वो पहले किया करती थी। अच्छा, वो ब्रेकफास्ट वैसे नहीं कर सकती जैसे वो पहले रिलैक्स हो के सामने टीवी लगा के मोबाइल रख के और वो अपना नाश्ता कर रही थी। अब उसे बस खाना है, जान छुड़ानी है, दो निवाले खाए, तीन खाए, फिर बेबी ने उठ जाना है, बेबी को वॉश कराना है, बेबी का डायपर चेंज कराना है, बेबी को वाइप ऑफ करना है, सो मैनी थिंग्स, ठीक है, जो कि बच्चों की होती है ऑब्वियसली। अच्छा, बहुत सारे मदर्स को ये भी इशू आता है, अगर मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कहूँ ना, एक चीज ये भी मेन है कि बच्चे के साथ क्या होता है, माँ को हैंडल करना नहीं आता, जो कि फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं, ये पॉइंट उनके लिए मैं कहूंगी, बच्चे को कैसे उठाया जाए, बच्चे को कैरी कैसे किया जाए, उसे संभाला कैसे जाए, उसे फीड कैसे कराया जाए, उसे जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको तो मसला होता ही है, पर जब हम ऊपर वाला मिल्क दे रहे होते हैं फॉर्मूला मिल्क, उसमें मसला आ रहा होता है, कभी मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, बच्चे को डायरिया हो जाते हैं या मोशन लग जाते हैं, नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी मूड को इफेक्ट करती हैं, मूड को इसलिए मूड पर इसलिए ये चीजें अफेक्ट करती हैं
क्योंकि इन सब चीजों पे बच्चा फंसी होगा तो नेचुरली माँ जो है वो वैसे ही तंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये जो है ना बहुत ही डिप्रेशन में क्या होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में माँ जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इमोशनल, उसे किसी चीज से मतलब या तो बार बार रोना आता है हर छोटी छोटी बात पर, या तो बहुत ज्यादा खुश होती है, यार बच्चे ने ये किया, यार बच्चे ने वो किया, यार बच्चा ऐसे कर रहा है। अच्छा, या तो उसे कोई कुछ कह भी देना तो उस पर भी वो रोना शुरू हो जाती है। और ज्यादातर मूड स्विंग्स इसलिए भी हो रहे होते हैं क्योंकि हमें लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, हमें भूख नहीं लग रही होती है, हमें खाना मजे का अच्छा नहीं लग रहा होता है, दो तीन वाले खाएंगे दिल भर जाता है, या तो फिर कुछ औरतों के साथ क्या होता है, वो हद से ज्यादा खाना खा रही होती हैं, हद से ज्यादा सो रही होती हैं। और क्या होता है कि मोस्टली जो मदर्स हैं पूरा दिन पूरी रात जाग जाग के बच्चे के साथ, इतनी कोई थक जाती हैं कि पूरा दिन वो थकी थकी फील करती हैं, उनमें वो एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने काम वैसे ही करे जैसे वो बेबी से पहले किया करती थी, अपनी प्रेगनेंसी से पहले किया करती। ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जब बेबी बोर्न हुआ, अब वो सीजर था या नॉर्मल था वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसमें मैं जस्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन को ही कवर कर रही हूँ, तो मैं वही बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये हुआ, जब मेरा बेबी बोर्न हुआ तो मैं बड़ाई कोई सदमे में चली गई थी। मुझे यही लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे नहीं है। ऐसे होता है, लिटरली ऐसे होता है, इट हैपन्स। मुझे ऐसे लगा कि मेरा हस्बैंड मेरा नहीं है, मेरी फैमिली मेरी नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। क्योंकि आप इतने पेन से सरवाइव कर रहे होते हो ना कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। और जब मुझे मेरा बेबी दिखाया गया तो मैंने उसे देखा, पर इतनी मुझे तकलीफ थी कि फिर मैंने उसे तकरीबन सेकंड डे ही अपने आप अपने पास रखा था। फर्स्ट डे में उसे अपने पास नहीं रख पाई थी। फिर उसे मैंने देखा भी, उसकी मैंने केयर भी की। और मदर्स क्या होती हैं, जो फर्स्ट बेबी पर हो, सेकंड पर, थर्ड पे, जब भी बेबी औरत बोर्न करती है ना तो उसे यही होता है, उसको बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो जाती है। वो ये कहती है यार बच्चे को कुछ ना हो, मतलब कि रोए भी ना हो, वो बिला वजह जागे भी ना, बिला वजह सोए भी ना, सोता है तो भी माँ परेशान हो जाती है, यार इतना क्यों सो रहा है, कम सोता है फिर भी माँ परेशान हो जाती है, यार आज तो बेबी सोया ही नहीं है, आज तो बेबी को पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, रोए तो भी माँ परेशान हो जाती है, यार बेबी हद से ज्यादा क्राई कर रहा है। वेल, तो फिर क्या मेरे साथ यही हुआ। फिर जब मैं घर आ गई थी डिस्चार्ज होके, तो घर पे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक अजीब सी जिम्मेदारी जैसे पड़ जाए आपके ऊपर और आप उस जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे। फर्स्ट तो मुझे फीड करवाना नहीं आया कि फीड कैसे करवाते हैं, और जब मैंने उसे फीड करवाया तो फिर उस बच्चे मतलब इसे ने फिर फीडर नहीं लिया, तो ये डबल वो हो जाता है ट्रेजिडी। तो फिर ये भी एक ट्रेजिडी है कि आपका बेबी जस्ट आपके ऊपर ही डिपेंड करे, और फिर आप ऐसे कोई बाउंड हो कि आप उठ भी ना पाओ, काम भी ना कर पाओ और घरदारी भी ना देखो। जाहिर सी बात है, 2 वीक 3 वीक 1 मंथ फिर तो हमने उठना है, हमें काम करना है, हमें घर को भी संभालना है, बेबी को भी संभालना है, नॉर्मल जो हमारी रूटीन के रेगुलर काम है हमने उन्हें भी देखना होता है। तो मेरे साथ यही हुआ कि 6 मंथ इज अ मतलब कि हाफ इन ईयर मैं जो हूँ बिल्कुल ही बाउंड हो गई थी बेबी के साथ। मुझे बस ये था कि बेबी है मेरी लाइफ में और मैं हूँ, बस दुनिया पूरी जो है खाली है और कोई नहीं। मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों हुआ, या तो मैं अकेली रह रही थी, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, या तो फिर कुछ एज का भी मसला होता है, आई थिंक सो। वेल, तो बस फिर यही हुआ मेरे साथ कि जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने अपने बेबी को ही संभाला, और शुरू शुरू में मुझसे वो भी संभला नहीं जा रहा था, फीड करवाने नहीं आ रही थी, और फॉर्मूला मिल्क बनाने में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, कि ये तो मुझे पता था कि कैसे बनाना है, कैसे देना है, थोड़ी बहुत मसला हो रहा था। वो मसला इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी, मेन रीज़न उसका ये है। अच्छा, और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बिल्कुल ही लैक ऑफ एनर्जी थी मेरे पास, मतलब मेरे पास एनर्जी एक पॉइंट की भी नहीं थी, बस मैं ये। अच्छा, और मुझे जो है ना, मुझे इंसोमनिया नहीं हुआ, मुझे जो है ना हद से ज़्यादा स्लीपीनेस, मतलब कि मैं इतना
सो स्लीपी थी मैं, हद से ज्यादा मैं स्लीपी थी। मुझे इतनी नींद आई, इतनी नींद आई, पूरा 2.5 महीने मैंने सो के गुजारा। इतना सोई, जब मेरा बेबी सो जाता मैं भी सो जाती। 1.25 महीना जो था मेरा 40 डेज हो ऐसे गुजरा, जब बेबी सोए मैं भी सो जाऊँ, कोई काम ना करूँ, जस्ट उठूँ, शॉवर लूँ, और जैसे बेबी को फिट करवाया, बेबी ने नेप ली तो मैंने भी नेप ले ली, फिर बेबी उठा, बेबी के साथ थोड़ा बहुत खेल कूद लिया, जैसे मतलब उसको, जैसे मतलब कि डायपी चेंज करवाना या उसको टाइम देना। तो जैसे बेबी उठता मैं भी उसके साथ उठ जाती, और जितना टाइम वो जागता मैं जागती, जब वो सोता तो मैं सो जाती थी उसके साथ। मेरी रूटीन कुछ यूं चली। अच्छा, फिर ये चलते चलते पीरियड एक्सटेंड होते होते मेरी मदर इन लॉ का कुछ इशू हो गया था, वो मतलब बीमार हो गई थी, उनको बैकएक हो गया था, फिर हॉस्पिटल ये वो, तो मेरे हस्बैंड वहाँ बिजी हो गए। हो सकता है इन चीज़ों ने भी मेरी लाइफ पे कुछ इफेक्ट डाला हो। तो मैं बिल्कुल ही सदमे में, और मैं हर किसी को लिटरली रो रो के सुनाऊँ अपने किस्से, ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ, सब मेरे अलग हो गए, सब मेरे पराए हैं, मतलब मेरा अपना कोई नहीं है। और लिटरली आप बिलीव करें कि मेरे साथ जो थी ना कंडीशन, वो वर्स्ट थी जो मेरे दिमाग के साथ थी। नॉर्मली देखने में मैं नॉर्मल थी, मेरा वेट गेन हो गया था, 70 हुआ था, दिखने में मैं बाज़ाहिर इतनी कोई खास मोटी तो नहीं थी, पर 70 इज मोर देन इनफ मेरे लिए, मेरी हाइट के हिसाब से। तो मुझे ये भी था कि यार मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना मिला के आपका, ये सारी चीजें मिला के ही एक रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में इनका मेन रोल होता है ये सारी चीजों का। एक तो ये होता है कि आपका बेबी अपना दूध नहीं ले रहा, फिर ये होता है यार चलो बेबी ने दूध लिया, वो फीडर नहीं ले रहा, ये भी बड़ा मसला है कि वो फीडर नहीं ले रहा, ये क्योंकि फिर हम बाउंड हो जाते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, बेबी को कहीं अकेला छोड़ नहीं सकते, छोटा बेबी है, 2 मिनट दूध पिएगा सोएगा, फिर उठेगा, फिर 2 मिनट दूध पिएगा। तो बस लाइफ कुछ ऐसी ही चली 6 मंथ्स तक, और फिर जब मैंने खुद के साथ खुद कम्युनिकेट किया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ये क्यों हो रहा है। अच्छा, सिस्टर से भी मैंने शेयर किया, जैसे आप अपने अजीजों से शेयर करते हैं, मैंने हस्बैंड के साथ भी शेयर किया, मेरे साथ कुछ है, मेरे साथ कुछ है, पर इस बात का किसी ने कोई सलूशन नहीं निकाला। पता सबको थी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, किसी को ये पता नहीं थी कि इतना लॉन्ग लास्टिंग चला जाएगा या ये साइकोसिस में चला जाएगा। वेल, फिर मैंने खुद के साथ खुद कम्युनिकेट किया, खुद कम्युनिकेट ऐसे किया कि यार ये क्या है, मैं वही लड़की हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ी, ग्रेजुएट हुई, नॉर्मल लाइफ में आई, मैरिज की, बच्चा हुआ, ठीक है, तो सारी चीजें नॉर्मल चली। और इतना समझदार होने के बाद आप इतना मतलब अपनी लाइफ के साथ लॉयल हो, और फिर आपके साथ अचानक से क्या हो जाता है। 9 मंथ आपने अच्छे से केयर किए, मेरी प्रेगनेंसी भी थोड़ी सी टफ रही थी, मतलब कि मैं हेल्दी, मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो एक्टिव नहीं थी, हेल्दी नहीं थी, मैं थोड़ा सा बीमार भी रही थी प्रेगनेंसी में होल पीरियड ऑफ द टाइम। फिर यूं हुआ कि मैंने खुद के साथ खुद कम्युनिकेट किया कि ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल है, वही दुनिया है, वही मैं हूँ, जस्ट मेरी लाइफ में एक बेबी जो है वो प्लस हुआ है और कुछ भी ऐसा नहीं है, और बेबी को कैरी करना इज नॉट अ बिग टास्क, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी बहन के भाई के बच्चे संभाले हुए थे, जैसे घर में होते हैं या सब बच्चे से खेल रहे होते हैं या क्या, तो माशाल्लाह उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप अटैचमेंट, मैं उनके साथ फ्रेंड्स लाइक ही हूँ, मैं उनकी खाला या उनकी फुफो नहीं हूँ, मैं उनके साथ ऐसे ही बिहेव करती हूँ जैसे कि मैं उनकी कोई फ्रेंड हूँ और उन्हीं की एज की हूँ। तो जब मैंने उनके साथ इतना अच्छा सिस्टम या इतनी अच्छा तो जब मैंने उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप रखा तो मैं अपनी लाइफ में ऐसे क्यों हो गई। तो फिर इन सारी चीजों का मैंने सोल्यूशन निकाला और माशाल्लाह नाउ बैक टू माय सेम रूटीन। इसको भी टाइम हो गया है, फिर 6 मंथ के बाद मैंने खुद को खुद उस झंझट से निकाला, ठीक है, मैंने खुद को खुद उस झंझट से निकाला। तो जब तक आप अपने लिए काम नहीं करोगे, आप अपने लिए नहीं उठोगे, आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो कुछ नहीं होता। दुनिया ऐसी है, लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत बार ये बात शेयर की, सिस्टर के साथ शेयर की, जिनके साथ मेरी क्लोज फ्रेंडशिप थी या मैं उनके साथ जितना अटैच थी, मैं उनके साथ भी बात की, पर मुझे किसी ने कोई अच्छी सी गाइडेंस नहीं दी। फिर मैंने खुद के साथ खुद कम्युनिकेट किया, खुद को खुद समझाया, और मेरा वेट भी स्टक हो गया था, फिर स्लो स्लो मेरा वेट भी जो है
खुद ही मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही मेरा वेट भी कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी स्किन भी सही हो गई, मेरे बाल भी सही हो गए। हाँ ये होता है कि आप जब बेबी पैदा करते हैं तो कुछ टाइम आपके बाल अच्छे रहते हैं, फिर बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और इतना कोई नेक्स्ट लेवल का हेयर फॉल हो रहा होता है कि बेतहाशा पूरे सर पे जो है ना बेबी हेयर्स आए हुए होते हैं। तो कोई नहीं, ये लाइफ है, ये रियलिटी है, आप इसको एक्सेप्ट करें और इसी के साथ चलें। तो मेरा टॉपिक होता है ख़त्म और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को मेरी बात हर्ट की हो तो उसके लिए माजरत, और अगर किसी को मेरी बात से कोई हेल्प हुई हो तो उसके लिए मैं जो हूँ थैंक यू करूँगी कि आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी और मेरी वीडियो को पसंद किया। अच्छा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।